जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सुशील कुमार ने 4 मई को कांड किया उसके बाद से ही वो लगातार फरार थे, लेकिन 23 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हो सकी। लेकिन आप सभी को बता दें कि पुलिस को 18 दिनों से ज्यादा चकमा देने के बाद अब सुशील कुमार जेल के अंदर पुलिस रिमांड में भी पुलिस को चकमा देने की पूरी फिराक में है और लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। सुशील कुमार को अपने कैरियर की काफी चिंता है और रेलवे ने तो उन्हें पहले से ही सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही है कि सुशील कुमार अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि इसके पीछे उनके वकील का मास्टरमाइंड दिमाग है, क्योंकि वो जानते हैं कि सुशील कुमार पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर सुशील कुमार के खिलाफ कोई गवाह तैयार नहीं होता और सिर्फ सबूत के बिना पर जांच की जाती है तो सुशील कुमार को ज्यादा दिनों की सजा नहीं हो सकती। लेकिन लगातार वो अपना बयान बदल रहा है। कभी उसका कहना है कि वो उस रात को सागर सोनू अमित को, जहां पर उसमें 40-50 बदमाशों के बीच, पहलवानों के बीच छत्रसाल स्टेडियम में लड़ाई हो रही थी, उनको छुड़ाने गया था। लेकिन दूसरी तरफ उसने जब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ था तभी ये बात खबरों के मुताबिक कबूली थी कि सुशील कुमार ने कहा था कि मैं उस रात सागर को इतना पीटा था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जान चली जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ डर बैठाना था उसके मन में और वहां पर मौजूद सभी लोगों के मन में कि जो कोई भी सुशील से पंगा लेगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी गलती उनसे ये हो गई कि उसने काला जठेड़ी के भांजे यानी संदीप उर्फ काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल को पीट दिया, जिस पर पहले से ही 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में ये केस एक गैंगस्टर का रुख ले लिया। दूसरी तरफ अमित नाम के शख्स को पीटा और उसके परिवार वाले भी खासा नाराज नजर आ रहे हैं। सबने ये कहा कि सुशील कुमार ने जो कुछ भी किया वो कोई गुरु वाला काम तो नहीं बल्कि एक राक्षस वाला काम है, क्योंकि जानवरों की तरह पीटा है इन लड़कों को, जिसमें तो पीट पीट कर सागर की जान ही ले ली। अब दोस्तों सुशील कुमार कितने भी बयान बदल ले, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम अपने तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि वो पहले सुशील कुमार से पूछताछ करती है, फिर वही सवाल अजय से पूछताछ करती है जो सुशील कुमार के ही दोस्त हैं, उसके साथ ही फरार थे। अब यहाँ पर मिसमैच यानी कि क्रॉस चेक किया जाता है कि अगर सुशील कुमार ने भी वही सेम जवाब दिया है और अजय ने कुछ और जवाब दिया है तो दोनों से अलग अलग तरीकों से अलग अलग एंगल से पूछताछ होती है। यानी ये पूरा फिराक में है पुलिस किस प्रकार से सुशील कुमार को फंसाया जा सके, क्योंकि सुशील कुमार और अजय से अलग अलग पूछताछ का मकसद ही यही है कि दोनों के बयान क्रॉस चेक हो ताकि ये पता लगाया जा सके अलग अलग समय पर कि दोनों सही हैं, दोनों सच बोल रहे हैं या नहीं। चाहे सुशील कुमार के वकील उनको कितना ही बचाने की कोशिश करें, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम सबूतों के साथ उनको कोर्ट में पेश करेगी जब 6 दिन की रिमांड खत्म होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।